हेलो फ्रेंड्स, न्यूज़ एनालिसिस सीरीज़ में आपका स्वागत है। एंड टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ फ्रॉम द एडिटोरियल ऑफ द मिंट न्यूज़पेपर। फ्रेंड्स, रिसेंटली मिंट न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी जिसका नाम है द सडन रिटर्न ऑफ क्वांटिटी प्लानिंग इन द वेक ऑफ COVID-19। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया इन्होंने, क्वांटिटी प्लानिंग, द रेलिवेंस ऑफ क्वांटिटी प्लानिंग। ये जो हमारा वीडियो है आज का, इसमें हमारा जो फोकस है वो आपको ये समझाना है कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है उसका लॉजिक क्या होता है, और उस लॉजिक को समझने के लिए इकोनॉमिक्स के बेसिक्स पे हमको जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ज़्यादातर इकोनॉमिक डिसीजंस जो इकोनॉमी में होते हैं वो प्राइस के बेसिस पे लिए जाते हैं। प्राइस के बेसिस पे ही कई बार गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी करती है, लाइक इन द केस ऑफ अनियंस रिसेंटली। गवर्नमेंट इंटरवीन्ड सो दैट द प्राइसेस ऑफ अनियन कैन बी स्टेबलाइज्ड, और वी कैन टेक द केसेस ऑफ ऑयल। व्हेनेवर द ऑयल प्राइस हैव इंक्रीज्ड इन द पास्ट, गवर्नमेंट इंटरवीन्ड टू स्टेबलाइज द प्राइस। और वी कैन से इन द केस ऑफ पल्सेस ड्यूरिंग 2014 एंड 15, जब पल्सेस के प्राइस बढ़ रहे थे तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करके पल्सेस के प्राइसेस को स्टेबलाइज किया गया। दैट मीन्स अगर हम इकोनॉमिक रेलिवेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं प्राइस ही मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होता है। बट ये जो एडिटोरियल है, ये प्राइस से डिस्कशन हटा करके क्वांटिटी प्लानिंग पे ले जाना चाहता है, especially in the wake of crisis-oriented economy. So according to the writer here, he says that there is always a debate between price versus quantity, जिसमें हमेशा price ही जीतता है। जो decisions economy में होते हैं वो price के basis पे ही होते हैं, but कई बार situations like war-like economy takes the decision also on the basis of quantity. अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस डिस्कशन का रेलिवेंस क्या है। रेलिवेंस इसी एडिटोरियल में दिया हुआ है जिसको हमको समझना है। लाइक फॉर एग्जांपल, रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप मेड चेंजेस इन डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट टू फोर्स द जनरल मोटर्स टू मेक वेंटिलेटर्स, forcing a company to promote ventilators, to produce ventilators, which is not the core business. Why this is happening? Because ventilators ki quantity hamari zarurat hai abhi. US mein jis tarike se COVID cases badh rahe hain, ya phir other countries ki baat bhi kare, agar hum India ki baat kare, India mein bhi ventilators ki kami hai, sanitizers ki kami hai, N95 मास्क की कमी है। यहां पे अभी प्राइस इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, यहां पे क्वांटिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अ सर्टेन क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड, जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो सर्टेनली जो अभी की कंडीशन है, जो कोविड क्राइसिस है वर्ल्ड में, चाहे इंडिया में, यहां पे स्पेसिफिक केस लाइक फॉर एग्जांपल अमेरिका का है, जहां पे भी क्राइसिस हुई है वहाँ पे कहीं ना कहीं क्वांटिटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो यहाँ पे क्वांटिटी इकोनॉमिक्स इज प्लेइंग मोर इम्पॉर्टेंट रोल। दैट इज व्हाई इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वेंटिलेटर्स इन अमेरिका, द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज इंटरवीनिंग इन द इकोनॉमी सो दैट एम्पल अमाउंट ऑफ वेंटिलेटर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। रिसेंटली इंडिया में भी इसरो ने रॉकेट प्रोग्राम को छोड़ करके वेंटिलेटर्स और सैनिटाइजर्स को प्रमोट करने की बात करी है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अभी जो डिसाइडिंग फैक्टर वो प्राइस नहीं है, अभी सर्वाइवल की बात है, और जब सर्वाइवल की बात होती है क्राइसिस में, तब आप किसी भी प्राइस पे प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी हैं, लेकिन प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर मार्केट में आर्टिफिशियल क्राइसिस हो जाएगी
तो सर्टेनली इट विल लीड टू डिवास्टेटिंग रिजल्ट्स विच इज नॉट गुड फॉर द इकॉनमी नी द सोसाइटी. सो लेट्स स्टार्ट द टूडेज डिस्कशन ऑफ एडिटोरियल फ्रॉम द डिबेट अबाउट द ट्रेड ऑफ बिटवीन प्राइस वर्सेज क्वांटिटी. वी आर ऑलरेडी आई डिस्कस दैट द स्टेट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंटरवीन्ड इन द इकॉनमी in order to promote quantity planning. Here quantity planning means that ventilators. और इस editorial में हम ये देखेंगे कि कैसे not only in present time but also in the past also how the government had intervened in order to promote quantity planning. Now the first paragraph here talks about just consider some of the key questions that are being asked right now. How many ventilators are available? Are there ample food stocks? Can more hospital beds be made available? How many masks can be produced in the next few weeks? Can the production of testing kits be ramped up? It's all about quantities, quantities and quantities. यहाँ पे कोई भी price की बात नहीं कर रहा है. और जो ये shift है economic strategy में, it is due to the emergency trend which is there in the economy. Agar hum India ki baat karein, World War II ke experience ki baat karein, to jo colonial state tha 1940s mein, usne import pe restrictions lagaye the. And those restrictions were quantitative. That means जो हम import करेंगे कितना amount हम import करेंगे उस पर control लगाया गया था. क्यों? क्योंकि उस समय Britain was caught in the Second World War and so that is why Britain wanted to conserve the foreign exchange जो इस paragraph में भी लिखा हुआ है as well as to ensure that the shipping capacity was used to bring only what is essential to the war economy. तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, अगर हम इस पैराग्राफ की बात करें, तो यहाँ से हमको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि पास्ट में क्वांटिटेटिव इंपोर्ट कंट्रोल्स क्यों लगाए गए थे? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करना था और शिपिंग कैपेसिटी को सिर्फ एसेंशियल को इंपोर्ट करने के लिए यूज़ करना था, इसीलिए क्वांटिटेटिव बैरियर्स लगाए गए थे. तो अगर इस बैकग्राउंड में हम यूपीएससी क्वेश्चंस की बात करें तो ये एक तरीके का ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म ही था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अगर हम क्वेश्चन बनेगा प्री में तो किस तरीके से बन सकता है? विद रेफरेंस टू द ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हिडन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म. First, the objective can be to save forex. Second, the objective can be protection of domestic industries during Nehruvian era. Third, to sustain war economies during World War II. And fourth, to save the shipping capacity towards essential imports during colonial rule. So, agar hum fourth point ki baat karein, already humne is paragraph mein dekha point. Agar hum first point ki baat karein, wo bhi humne dekha. ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म पे करंट क्वेश्चन भी आ सकता है, लाइक ट्रेड वॉर इज अ काइंड ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म. और दो पॉइंट मैंने ऐड कर दिए, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम नेहरूवियन एरा. नेहरूवियन एरा में भी ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म था, हमने इंपोर्ट्स पे कंट्रोल करके रखे थे. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर टू में ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म क्यों हुआ था. ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म मीन्स हियर द इम्पोजिशन ऑफ द क्वांटिटेटिव इम्पोर्ट कंट्रोल्स was also to save the war economies during Second World War. So, इस पैराग्राफ से ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है. अगर हम आगे बढ़ें, आगे डिस्कस करें पॉइंट्स को, तो नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है फूड राशनिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड ओवर द वॉर ईयर्स. ओवर 700 टाउन्स वर कवर्ड बाई सम राशनिंग स्कीम. और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑल्सो बॉट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस
एंड वेरियस फॉर्म ऑफ रेंट कंट्रोल्स वर ऑल्सो इंस्टीट्यूटेड आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस. सो कहीं ना कहीं ये पैराग्राफ ये शो कर रहा है कि जब वॉर था, जब वॉर लाइक कंडीशन थी, तब स्टेट ने मार्केट में इंटरवीन किया, हर तरीके से इंटरवीन किया ताकि राशनिंग कंटिन्यू रहे, ताकि प्रोडक्शन सप्लाईज मेंटेन रहे. तो वहाँ पे भी अगर हम बात करें तो प्राइस की नहीं है, इस पैराग्राफ में भी कहीं प्राइस की बात नहीं हो रही. स्टेट के इंटरवेंशन का रीज़न प्राइस नहीं है, क्वांटिटी को इंटैक्ट रखना है. अगर एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस की बात करें तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस के थ्रू गवर्नमेंट इनकरेज करती है प्रोडक्शन. सो दैट इज़ वाई ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन ऑल्सो द स्टेट इंटरवीन इन ऑर्डर टू सस्टेन द इकोनॉमी. अगर हम आगे डिस्कस करें, देयर आर अदर एग्जाम्पल्स एज वेल एंड द फर्स्ट एग्जाम्पल इज करेंट सिचुएशन. अगर हम करेंट सिचुएशन की बात करें, सो करेंट सिचुएशन में देर इज अ ग्रोइंग कंसेंसस दैट इंडिया गवर्नमेंट विल हैव टू फंड द पार्ट्स ऑफ इट्स ग्रोइंग फिस्कल बर्डन थ्रू द मनी क्रिएशन बाय द RBI. द इन्फ्लेशनरी कॉन्सिक्वेंसेज विल बी म्यूटेड फॉर नाउ बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द नैरो मनी इज मोस्ट लाइकली सेट्स टू फॉल ऑन अकाउंट ऑफ द वीक डिमांड कंडीशंस अंडर द लॉकडाउन. इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि करेंट सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा. अब गवर्नमेंट जो इंटरवीन करेगी, लाइक फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके इसरो को बोला है वेंटिलेटर्स प्रमोट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन का रीज़न क्या है? रीज़न ये है ताकि एम्पल अमाउंट ऑफ क्वान्टिटी जो है वो मार्केट में अवेलेबल रहे. और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट का डेफिसिट बढ़ेगा बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन विल बी फंडेड थ्रू द बोरोइंग फ्रॉम RBI. कई बार हमारा ये ओपिनियन होता है कि गवर्नमेंट जब मार्केट में एक्सपेंशनरी रोल प्ले करती है, मार्केट में इंटरवीन करती है, एक्सपेंडिचर करती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ता है. बट यहाँ पर ये स्पेशल केस है. इन्फ्लेशन तब बढ़ता है जब नॉर्मल कंडीशन होती है. सी द पॉइंट रिटन हियर इज The point is the inflationary consequences will be muted for now because of the velocity of narrow money is almost likely to fall on account of weak demand. Velocity of money मतलब होता है money के move करने की tendency. For example, हमने किसी से कुछ सामान खरीदा, जिससे खरीदा उसके पास पैसा गया, उसने फिर उस पैसे का use कर कुछ और खरीदा. तो public जब demand करती रहती है तो money का exchange होता रहता है. The exchange of money from one hand to another hand is called as velocity. अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो अभी हम लॉकडाउन में हैं. जब हम लॉकडाउन में हैं तो हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा कम है, तो जो वेलोसिटी है मनी की वो कम हो जाएगी. जब वेलोसिटी और मूवमेंट कम हो जाएगा सो ऑटोमेटिक डिमांड, ऑटोमेटिक रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा कि डिमांड भी फॉल करेगी. गवर्नमेंट जो डिमांड फॉल कर रही है बिकॉज पीपल डोंट हैव मनी, दे आर नॉट वर्किंग देयर, तो गवर्नमेंट इज इंटरवीनिंग टू मेंटेन द सप्लाईज. That means what? Here again, the government is trying to maintain the quantity. और government के इस intervention से inflation ज़रूरी नहीं कि होगा, क्योंकि एक तरीके इस तरफ से demand fall हो रही है, दूसरी तरफ से government intervene कर रही है. तो जब demand fall कर रही है उस gap को government intervene करके पूरा कर रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि inflation होगा. इसका मतलब यहाँ पर यही है. Now, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग 1950s देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमैटिक मोनेटाइजेशन एंड द मेन इंस्ट्रूमेंट वाज एडहॉक ट्रेजरी बिल व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1954 एज अ टेम्पररी मेजर टू रिप्लेनिश द कैश बैलेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट. यहाँ पे मतलब ये है कि 1950s में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था, बहुत ज़्यादा था, स्टेट लेड इकॉनमी थी, और उस इंटरवेंशन की वजह से क्या होता था कि गवर्नमेंट को जो भी डेफिसिट होता था वो सीधे RBI के पास प्रिंट करके गवर्नमेंट मैनेज करती थी. RBI के पास ऑटोनॉमी नहीं थी, ये हमने इकोनॉमिक डिस्कशन क्लासेस में भी देखा था. द कॉन्सेप्ट ऑफ एडहॉक ट्रेजरी बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड. एंड प्लीज रीड द नेक्स्ट लाइन ऑल्सो हियर, द लास्ट लाइन रिटन हियर इज एडहॉक ट्रेजरी बिल्स वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड थ्रू एनी फॉर्मल लॉ बट एन अरेंजमेंट बिटवीन द मिड लेवल ब्यूरोक्रेट्स इन न्यू दिल्ली एंड मुंबई एंड इट वॉज अ टेम्पररी मेजर. एक टेम्पररी मेजर था वो 1950s में इंट्रोड्यूस हुआ था.
तो जो भी गवर्नमेंट का डेफिसिट होता था वो सीधे सीधे मोनेटाइज हो जाता था. सो आरबीआई इज देयर टू मैनेज द मनी सप्लाई इन द मार्केट, बट सी हाउ द गवर्नमेंट इज इंटरवीनिंग एंड द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज लीडिंग टूवर्ड्स अ डेफिसिट विच इज ऑटोमेटिकली बींग फंडेड बाई द एडहॉक ट्रेजरी बिल. नाउ अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इसमें यहाँ पे इस पैराग्राफ में एडहॉक ट्रेजरी बिल के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है. इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं. यस, लाइक फॉर एग्जाम्पल विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ फिस्कल डेफिसिट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. द गवर्नमेंट यूज टू फॉलो द मेजर ऑफ एडहॉक ट्रेजरी बिल्स बिफोर 1997. सेकेंड, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई अमेंडिंग द आर बी आई एक्ट 1934. थर्ड, इट यूज टू कर्व द ऑटोनोमी ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी. एंड फोर्थ, एडहॉक ट्रेजरी बिल वर फंडेड बाई ऑटोमेटिक प्रिंटिंग ऑफ मनी बाई आर बी आई. इस पैराग्राफ में तो फर्स्ट पॉइंट ही लिखा है ऑटोमेटिक मोनिटाइजेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं फोर्थ पॉइंट सही है. 1997 से पहले एडहॉक ट्रेजरी बिल था, ये पॉइंट भी वैलिड है. बट इट वॉज अ टेम्पररी मेजर, सो द सेकेंड पॉइंट है इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई अमेंडिंग आर बी आई 1934 गलत हो गया. इट यूज टू कर्व द ऑटोनॉमी ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, सर्टेनली मॉनिटरी पॉलिसी के पास कोई चांस नहीं होता था. गवर्नमेंट इंटरवीन करके फोर्स करती थी मॉनिटरी पॉलिसी को टू प्रिंट द मनी. सो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन भी सही है. दैट मीन्स इन दिस फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. फ्रेंड, इसके पहले भी एक पैराग्राफ है. अगर हम उस पैराग्राफ की बात करें जो ये कहता है, देर इज नाउ अ ग्रोइंग कंसेंस दैट द इंडियन गवर्नमेंट विल हैव टू फंड अ पार्ट ऑफ इट्स ग्रोइंग रेवेन्यू बर्डन थ्रू द मॉनिटरी क्रिएशन ऑफ आर बी आई. द इन्फ्लेशनरी कॉन्सिक्वेंसेज विल म्यूटेड फॉर नाउ बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ नैरो मनी इज ऑलमोस्ट लो. जो हमने पॉइंट डिस्कस भी किया अभी, इस पैराग्राफ में भी अगर क्वेश्चन बनाना चाहे तो बन सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन कैन बी, रिसेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ COVID-19 वी हैड सीन एन एक्टिविस्ट रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द मार्केट. विद रेफरेंस टू दिस विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सर्टेनली करेक्ट. सर्टेनली करेक्ट पे ध्यान देना है आपको, 100% होगा ही. इट विल कॉज एन इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट इन द इकॉनमी. अगर हम इस पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द इन्फ्लेशनरी कॉन्सिक्वेंसेज विल बी म्यूटेड फॉर नाउ बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ नैरो मनी इज मोस्ट लाइकली टू सेट ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ वीक डिमांड कंडीशन. दैट मीन अगर डिमांड वीक है तो कहीं ना कहीं गैप क्रिएटेड है. गवर्नमेंट जो है क्वांटिटी को प्रमोट कर रहा है तो कहीं ना कहीं उस गैप को भर रहा है. तो इन्फ्लेशन की पॉसिबिलिटी 100% नहीं है. अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द गवर्नमेंट विल हैव टू फंड द पार्ट ऑफ इट्स ग्रोइंग फिजिकल डेफिसिट थ्रू मनी क्रिएशन ऑफ आरबीआई. ये तो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है. सर्टेनली अगर मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो आरबीआई ही का ऑप्शन बचा है. नहीं तो गवर्नमेंट मार्केट से भी बोरो कर सकती थी, लेकिन अभी यहाँ पे आरबीआई के पास जाना पड़ेगा और आरबीआई डायरेक्ट पैसा प्रिंट करेगा बिकॉज मार्केट तो परफॉर्म कर नहीं पा रहा है इस समय. तो कहीं ना कहीं बी पार्ट भी सही है. इट विल डिस्करेज द प्राइवेट सेक्टर, नो. द गवर्नमेंट इज इंटरवीनिंग इन ऑल टू स्टेबलाइज द मार्केट, सो इट इज नॉट सर्टेनली करेक्ट दैट इज गोइंग टू डिस्करेज द प्राइवेट सेक्टर. नेक्स्ट इज, इट विल इंक्रीज द डेट ऑफ द गवर्नमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. सी, जीडीपी इज सर्टेनली गोइंग टू फॉल, बट द गवर्नमेंट इज कंटिन्यूसली बोरोइंग मोर एंड मोर. तो कहीं ना कहीं अगर हम उनका रेशियो निकालेंगे तो डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ेगा ही. ये पॉइंट भी सही है. दैट मीन्स इसका आंसर होगा बी एंड डी. सो फ्रेंड, इसी तरीके से यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं. तो हम जब कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हम उससे कैसे क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. इट सेज दैट एन एग्जाम्पल इंडिया वॉज हिट बाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1957. इसका कहने का मतलब ये है कि 1957 में इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई थी. एंड ड्यू टू दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस द गवर्नमेंट, आगे पढ़िए ध्यान से क्या लिखा है, वंस अगेन used a temporary measure, imposed stringent controls on the import, and many of these were quantitative in nature. जो 1980s तक भी valid थे.
अगर फ्रेंड हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो यहां पे ये कह रहा है कि 1957 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई थी, सेकेंड फायर प्लान की बात कर रहा है ये पैराग्राफ, जिसमें स्टेट ने मैसिव इन्वेस्टमेंट किया था इकॉनमी में, ये हमने डिस्कस भी किया था 5 ईयर प्लान्स में, बिकॉज ऑफ महालनोबिस मॉडल, स्टेट इंटरवेंशन इन द हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो कहीं ना कहीं ये पॉइंट वैलिड है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इनफैक्ट द इंटायर ट्रेड पॉलिसी अप्रोच इन 1957 क्राइसिस वॉज टू मिनिमाइज द इम्पोर्ट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द फॉरेन एक्सचेंज। सो अगर हम इस पैराग्राफ के बेसिस पर क्वेश्चन बनाएं प्रीलिम्स का, तो कैसे बनेगा? विद रेफरेंस टू द सेकेंड 5 ईयर प्लान, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इट फोकस्ड ऑन मैसिव इन्वेस्टमेंट थ्रस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग टू प्रमोट कैपिटल गुड्स, करेक्ट है। सेकेंड, द गवर्नमेंट इम्पोज स्ट्रिंजेंट मेजर टू कम कर्ब द इम्पोर्ट्स, बिल्कुल, बिकॉज इट रिजल्टेड इन टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। द प्लान रिजल्टेड इन टू बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बिल्कुल सही है, सी पार्ट भी ठीक है। एंड डी पार्ट, इट ओवरलुक द लाइट इंडस्ट्री विच इज द रीजन बिहाइंड एवर लास्टिंग इम्पोर्ट्स ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, ये पॉइंट भी करेक्ट है। ऑल्दो यहाँ पे दिया नहीं है, बट एक पॉइंट मैंने ऐड कर दिया ताकि एक क्वेश्चन यूपीएससी का आपके लिए प्रिपेयर हो जाए। 5 ईयर प्लान्स पे काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग आजकल। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बी, सी एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से हमको पैराग्राफ से क्वेश्चन बनाने हैं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द कंक्लूजन ऑफ दिस पैराग्राफ, हियर अगेन द राइटर कोट्स द स्टेटमेंट दैट विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द कोट ऑफ द डे। द स्टेटमेंट इज, लेसन्स लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री हेल्प इन फाइटिंग द अनसर्टेन फ्यूचर। इसका मतलब ये है, जैसा कि हमने वेरियस पैराग्राफ्स में देखा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब आया था तब इंडिया में कॉलोनियल रूल था और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, स्टेट ने इंटरवीन करके क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस का रीज़न प्राइस नहीं था, क्वांटिटी था। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई टॉक अबाउट द सेकेंड 5 ईयर प्लान सिचुएशन, सेकेंड 5 ईयर हमने देखा कि कैसे मैसिव इन्वेस्टमेंट की वजह से जो क्राइसिस आई थी बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके रिजल्ट में हमने फिर से क्वांटिटेटिव बैरियर्स लगाए थे। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट लिंकिंग द सेम थिंग विद द करेंट सिचुएशन कोविड, तो करेंटली भी अगर हम देखें तो अमेरिका ने जैसे डिफेंस प्रोटेक्शन एक्ट में चेंजेस करके जनरल मोटर्स को फोर्स किया है वेंटिलेटर्स बनाने के लिए, ताकि इनफ क्वांटिटी ऑफ वेंटिलेटर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। एंड ऑल्सो द कंडीशन इन इंडिया वेयर वी हैव लैक ऑफ हेल्थ इक्विपमेंट्स, स्पेशली द वेंटिलेटर्स एंड सैनिटाइजर्स, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव प्लानिंग की रेलिवेंस है। सो जो हिस्ट्री में हमने देखा है वही प्रोविज़न कहीं ना कहीं चली आ रही है, जो करंट पार्ट से भी कनेक्ट करती है। 1940s में, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, जॉन मेनार्ड केन्स ने भी लिखा है ये हाउ टू पे फॉर द वॉर, जिसमें केन्स ने भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस की बात ही करी थी कि कैसे हमें कंजम्पशन की जो क्वांटिटी है वो कम करनी पड़ेगी एंड हमको किस तरीके से टैक्सेस बढ़ा करके या किसी और स्टेट इंटरवेंशन मेजर से क्वांटिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। सो जो अभी कोविड की पैंडमिक है, ऑल्दो ये मिलिट्री वॉर से, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हम बात करें या फिर 1957 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की बात करें या फिर करंट हम कोविड से बात करें, तो भले ही ये डिफरेंट है पहले से, बट जो स्टेट इंटरवेंशन है वो एकदम सेम इमरजेंसी काइंड ऑफ कंडीशन को ही इमिटेट करता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोट ऑफ द डे, लेसन्स लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री हेल्प इन फाइंडिंग अनसर्टेन फ्यूचर, इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन एथिक्स पे जैसे बनता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, लेसन्स लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री हेल्प इन फाइटिंग अनसर्टेन फ्यूचर, एथिकली इवेल्युएट हाउ एक्सपीरियंसेस हेल्प अस टू फाइट द चैलेंजेस, ये एक एथिक्स का क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आप इकोनॉमिक डायमेंशन लिखेंगे लेकिन आपको एथिकल वैल्यूज के परस्पेक्टिव में लिखना है कि कैसे एक्सपीरियंसेस हमको, लाइक फॉर एग्जाम्पल फेलियर इज अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस,
एंड फेलियर हमको हमारे लूप होल्स बताता है, जिस लूप होल के बेसिस पे हम अपने फ्यूचर के प्लान को प्रोसीड करते हैं। सो ये एथिक्स में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और अगर मैं इस पूरे ही एडिटोरियल के बेसिस पे क्वेश्चन बनाऊं, तो क्वेश्चन कैन बी, स्टेट कैन बी डिमिनिस्ड बट नॉट डाई, क्रिटिकली एनालाइज द रेलिवेंस ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक क्राइसिस। दिस कैन बी एन एवर ग्रीन क्वेश्चन कि स्टेट को हम कम कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं। द स्टेट कैन बी मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, बट स्टेट कैन नॉट बी जीरो। करंट स्टेट इंटरवेंशन इन द इकॉनमी प्रूव्स दिस पॉइंट वेरी वेल। सो फ्रेंड, आज का एडिटोरियल थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, जिसमें हमने एक डिफरेंट आइडियोलॉजी सीखी। आइडियोलॉजी का मतलब ये था कि स्टेट का जो इंटरवेंशन होता है वो कई बार प्राइस को कंट्रोल करने के लिए नहीं होता है। जनरल परसेप्शन होता है कि बस प्राइस के बेसिस पे, जब भी प्राइस बढ़ेगा या फिर बहुत घटेगा तो स्टेट इंटरवीन करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, करेंटली ऑयल के प्राइसेस बहुत डाउन जा रहे हैं, लेस देन $20 पर बैरल, तो स्टेट कहीं ना कहीं एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके प्राइस को कंट्रोल कर रहा है ताकि प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए। तो सिर्फ प्राइस ही हमेशा रीज़न नहीं हो सकता है, एमरजेंसी कंडीशन में क्वांटिटी प्लानिंग की भी वैल्यू होती है। तो क्वांटिटी प्लानिंग हैज़ अ ह्यूज रेलिवेंस इन द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ एनी कंट्री, बिकॉज कोई भी कंट्री हो, कितनी भी परफेक्ट उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी हो, कभी ना कभी क्वांटिटी प्लानिंग की रेलिवेंस भी होगी। जहाँ पे हमारा डिसीजन, लाइक फॉर एग्जाम्पल द करेंट सिचुएशन, जहाँ पे हम वेंटिलेटर के प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, हम अमाउंट ऑफ वेंटिलेटर्स की बात कर रहे हैं कि जितने लोगों को चाहिए कोविड की वजह से, एटलीस्ट उनके लिए हम अवेलेबल कर सकें। एंड नॉट ओनली स्मॉल कंट्रीज बट ऑल्सो द बिगेस्ट इकोनॉमीज लाइक अमेरिका आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस प्रॉब्लम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एडिटोरियल। आई होप यू माइट हैव लर्न सम पॉइंट। सेंड योर आंसर्स एट manvin02@gmail.com। प्लीज कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज फॉरवर्ड टू anyone whom you think can be useful. Thank you so much.